गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल. तो स्टूडेंट्स, आज का जो कंटेंट है या आज का जो सेशन है वो वन लाइनर क्वेश्चंस है. ये हमने फॉरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं जिसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और आपका जो नेशनल पार्क से रिलेटेड है इसकी डिटेल्स भी करवाएंगे. डोंट पैनिक कि इसकी डिटेल्स नहीं करवाई हैं, इसकी डिटेल्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगी. डोंट, ये सिर्फ इतना है कि कितना आपको लर्न है, क्या आपको पता है, क्योंकि ये सेशंस जो हैं आपके फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये आते रहते हैं. तो इससे अच्छा है, क्योंकि ये पहले भी किया मैंने, तभी मैंने आपके आगे जो है कितना रिमेम्बर है, फिर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे. तो ये डिटेल सेशंस भी होंगे, डोंट वरी. बस इतना है कि आज देखते हैं हमें कितना आता है या कितना हमें पता है और किस तरह से इससे क्वेश्चंस आएंगे, सो दैट जब हम इसका डिटेल्ड वर्जन करें तो हमारा जो है और क्लियर हो जाएगा. तो चलिए शुरू करते हैं. व्हाट इज द स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश, या विच वन इज द स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश. ये तो जनरल क्वेश्चंस है, ये तो पूछे जाते हैं कि स्टेट बर्ड कौन सा है. तो देखिए, हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड, राज्य पक्षी कौन सा है. इसमें आज हम सिर्फ क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस तरह से पूछे जाते हैं, ताकि मैं इसका डिटेल सेशन आपके आगे जल्द लेकर आऊँ. स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश इज वेस्टर्न ट्रिगोपेन. वेस्टर्न ट्रिगोपेन, ठीक है, ट्रिगोपेन, जिसको आप क्या बोलते हो, झुझुराना. क्या है ये? झुझुराना. तो ये क्वेश्चन आता है कि स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश कितना है. देखिए, हमारा जो फॉरेस्ट है, ये क्वेश्चन आता है कितने परसेंट है कवर. 66.5. एरिया कितना लेता है? इतने किलोमीटर्स, ठीक है. वैसे टोटल एरिया हिमाचल का कितना है? 55673 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से फॉरेस्ट कितने कवर्ड हैं आपके, ये हैं, ठीक है. उसके बाद अगर देखा जाए तो ये जो हिमाचल है ये काफ़ी, इसके ड्राई टेम्परेट जोन है, अल्पाइन जोन्स हैं, ये सब करेंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं करवाऊंगी उसको, ठीक है. नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द स्टेट फ्लावर, क्योंकि ये क्वेश्चन 1-1 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो ये भी पूछे जाते हैं. स्टेट फ्लावर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, स्टेट फ्लावर क्या है? पिंक रोडोडेंड्रोन. क्या है आपका? रोडोडेंड्रोन, जिसको आप क्या बोलते हो, बुरांश. क्या बोलते हैं हम? बुरांश. तो ये जो है आपका स्टेट फ्लावर है. अगर स्टेट एनिमल की बात की जाए तो स्टेट एनिमल क्या है? स्नो लेपर्ड. स्नो लेपर्ड, जो कि आज किसका नियुक्त, एक और जगह का स्नो लेपर्ड है, दैट इज लद्दाख, जिसको आज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, ठीक है. मतलब आज नहीं, गवर्नमेंट ने पहले अनाउंस किया, अभी कुछ ही दिनों पहले जो है स्टेट लेपर्ड, स्नो लेपर्ड को लद्दाख का भी जो है स्टेट एनिमल घोषित किया गया है. अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, वॉट परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिल स्टेट लाइक हिमाचल प्रदेश शुड बी वुडेड. राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत जो है जंगली होना है. तो कितने परसेंट हमारा जो हिमाचल है दैट इज कवर्ड विद आपके कॉनिफर्स, ठीक है. कॉनिफर्स सबसे ज़्यादा है, तो अगर देखा जाए तो कॉनिफर्स यानी जिम्नोस्पर्म्स सबसे ज़्यादा क्या है? जिम्नोस्पर्म्स है. तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सारा फॉरेस्ट ही कवर करता है, तो इसमें कितना हमें लकड़ी मिलती है, दैट इज़ 50%. कितनी है आपकी? 50%, क्योंकि सारा वुडेड है. आपका हिमाचल इज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट. कितना प्रतिशत है फॉरेस्ट का? इतना प्रतिशत है. तो आपका कितनी लकड़ी हमें जो है वुडेड मिलती है, दैट इज़ 50%. नेक्स्ट, वेयर इज कियांग एनिमल फाउंड इन हिमालयस. कियांग एनिमल जो है, कियांग आ गया ना वर्ड, कियांग द कियांग, तो याद रखना कियांग एनिमल जो होता है ये बेसिकली किन्नौर और कुछ पार्ट्स ऑफ लाहौल स्पीति में भी मिलता है. कहाँ पे मिलता है? लाहौल स्पीति में. आप इन क्वेश्चंस को पॉइंट आउट कर सकते हो, आप इन क्वेश्चंस को जो है कॉपी पे लिख सकते हो, ठीक है. तो ये तो ऐसे जनरली पूछे जाते हैं. अब एक और क्वेश्चन, वैसे टोटल नेशनल पार्क्स इन इंडिया इज, हाउ मैनी नेशनल पार्क्स इन इंडिया इज? 103. लेकिन इन हिमाचल देयर आर हाउ मैनी नेशनल पार्क्स आर देयर? 5. कितने हैं? 5 हैं. तो ये चीज़ भी याद रखना कि कितने नेशनल पार्क्स हैं हिमाचल में? 5 हैं. और सेंचुरीज कितनी है? 31, जो कितना एरिया कवर करती है? 7614. इसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू जो है दैट इज़
7614 स्क्वायर किलोमीटर, जो आपका 1.6 नहीं 8.14, यानी आपका कितना प्रतिशत, 14.03%, ठीक है, ये कवर करता है। और अगर देखा जाए तो सेंचुरीज की बात कर रही हूँ, तो सबसे बड़ी सेंचुरी है किब्बर और सबसे छोटी कौन सी है, शिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट आता है, वेयर इज मस्क डियर ब्रीडिंग सेंटर। देखिए मस्क डियर जो है कस्तूरी मृग, इसको प्रिजर्व कहाँ पे करके रखा है, इसको प्रिजर्व रखा हुआ है गांगुल, गांगुल सेंचुरी में, गांगुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कहाँ पे है, चंबा में है, ठीक है। पर यहाँ पे पूछा है ब्रीडिंग सेंटर का है, तो इसकी जो ब्रीडिंग होती है वो कहाँ पे होती है, कुफरी में होती है। इसकी ब्रीडिंग कहाँ होती है, कुफरी, ठीक है। कुफरी जो है दैट इज फेमस फॉर CPRI इंस्टीट्यूट, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो कुफरी जो है इस जगह पे ब्रीडिंग किसकी होती है, मस्क डियर की ब्रीडिंग फार्म, ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है, कुफरी। लेकिन इस मस्क डियर यानी कस्तूरी मृग को प्रिजर्व करके कहाँ पे रखा है, ये रखा है गांगुल से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, यहाँ पे प्रिजर्व है। तो ये जो है आपके कहाँ पे है, चंबा में। विच वॉज द स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश इन द ईयर 2005, 2005 में हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड क्या था, मोनाल, क्या था आपका, मोनाल, ठीक है, ये क्या था, मोनाल। और आज क्या है, आज हमारा है झुझुराना, जिसको आप वेस्टर्न ट्रिगोपन भी कहते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, मोनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश हैज़ लोएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट, सबसे कम फॉरेस्ट कहाँ पे होंगे। तो देखिए सबसे कम फॉरेस्ट जो होते हैं वो अल्पाइन जोन में होते हैं, जो हमेशा किससे कवर रहता है, आपका स्नो से। जहाँ पे अल्पाइन रीजन होगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्फ होगी, वहाँ पे फॉरेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे आपका टेम्परेचर लो है, ठीक है, प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकते, टेम्परेचर लो है, सनलाइट जो है वो कम पड़ती है, तो वहाँ पे हमेशा बर्फ़ रहती है। तो बर्फ़ रहने की वजह से तो आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, एक आता है लाहौल स्पीति, ये क्या आता है आपका, लाहौल स्पीति, ठीक है। ओनली 1.39%, कितना है आपका, 1.39%, इसमें सबसे कम जो है फॉरेस्ट है, 1.39। देर इज़ अ कम्प्लीट बैन ऑन वाइल्ड लाइफ हंटिंग इन हिमाचल प्रदेश। अब क्या है, देखिए कुछ एक्ट्स बने हैं, एक्ट्स को याद करते हैं हम कि कौन कौन से एक्ट्स बने हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपको एक्ट्स बताना है हिमाचल प्रदेश, मैं एक्ट्स की डेट लिखवा देती हूँ आपको। हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट कॉरपोरेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1974, ये याद रखना कि हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट कंजर्वेशन कब बना, 1974 में। हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट एक्ट HPFA ये बना 1982 में, ठीक है। फॉरेस्ट एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन मेंटेनेंस एक्ट ये बना 1984 में, और आपका लैंड प्रोटेक्शन एक्ट, लैंड प्रोटेक्शन एक्ट भूमि बचाओ ये बना 1978। देखिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन आया 1974 में, फॉरेस्ट आपका एक्ट जो है आपका फॉरेस्ट एक्ट, देखिए फॉरेस्ट कॉरपोरेशन है ये, फॉरेस्ट कॉरपोरेशन ये क्या है आपकी, फॉरेस्ट कॉरपोरेशन कब इस्टेब्लिश हुई, 1974। फॉरेस्ट एक्ट कब आया, 1982 में, और जो आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन मेंटेनेंस एक्ट है वो आया 1984, और लैंड प्रोटेक्शन एक्ट आया है आपका 1978, ठीक है। तो ये याद रखना। और एक चीज़, जो आपकी फैक्ट्रीज हैं बिरोजा, ठीक है, बिरोजा जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, पाइन ट्रीज से। बिरोजा कहाँ से मिलता है, पाइन, ये सारा डिटेल में कराएंगे। जो किसको बनाने के लिए काम आता है, टर्पेंटाइन और तारपीन का तेल, बिरोजा जो है दैट इज तारपीन का तेल। एंड दीज बिरोजा फैक्ट्रीज कहाँ पे हैं आपकी, बिलासपुर और नाहन, बिलासपुर और नाहन। तो ये याद रखो कि बिरोजा फैक्ट्रीज जो हैं आपकी, बिरोजा फैक्ट्रीज ये कहाँ पे हैं आपकी, ये जो है आपकी कहाँ पे आती है, बिलासपुर में है। पाइन ट्री से बिरोजा निकलता है, जिससे हम टर्पेंटाइन बनाते हैं,
फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन एक्ट 1974 में बना, देन आपका फॉरेस्ट एक्ट 1982, फॉरेस्ट कंजर्वेशन मेंटेनेंस जो है वो 84, मेंटेन करना बाद में आया, एक्ट पहले आया, 2 साल बाद उसकी मेंटेनेंस आ गई। फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन अगर 1974 में बना है तो फॉरेस्ट के साथ लैंड प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1978, तो ये याद रखना। अब देयर इज अ कंप्लीट बैन ऑन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, मतलब आपका कंप्लीट बैन जो था वो कब लगा था, तो जब आपका फॉरेस्ट एक्ट बना तो फॉरेस्ट एक्ट के बाद ही जो है कंप्लीट बैन लगा था 1983 में। स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ट्री, यानी हिमाचल प्रदेश के आपका यहाँ पे क्या आएगा जो क्वेश्चन है कि स्टेट ट्री, ये क्वेश्चन ही गलत है, दैट इज द स्टेट ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। स्टेट ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश इज देवदार, या दियोदार बोलो या सीड्रस देवदार बोलो, दियोदार, देवदार के पेड़ आपने देखे हैं। और ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये आते हैं जिम्नोस्पर्म, जो एक्सट्रीम ठंडे इलाके में मिलते हैं, मतलब जो ठंडे इलाके में होते हैं, दैट इज कॉल्ड देवदार। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको कैसे याद रखना है, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन आई 74 में, उसके बाद लैंड को प्रोटेक्ट आया 78, फिर फॉरेस्ट आपका फॉरेस्ट एक्ट बना 1982 में, तो उसकी मेंटेनेंस बनी 1984। बिरोजा फैक्ट्रीज जो है वो आपकी पाइन ट्री के लिए है, और जो कि बिलासपुर में है और नाहन में है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ अ फॉरेस्ट, मतलब परसेंटेज, कितनी परसेंटेज जो है हमारा टोटल ज्योग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट के अंदर है, दैट इज 66.5, और एरिया इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अभी हाल ही में पेपर में किसी में पूछा गया था कि कितना फॉरेस्ट के अंडर आता है हमारा जो आपका ये है इन फॉरेस्ट, ठीक है। वेयर इज हिमालयन बोटैनिकल गार्डन लोकेटेड, हिमालयन बोटैनिकल गार्डन जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो हिमालयन बोटैनिकल गार्डन जो है वो आपका कहाँ पे है, कुफरी में, कहाँ पे है, कुफरी में। देखिए यहाँ पे जू भी है, ठीक है, यहाँ पे मस्क डियर ब्रीडिंग फार्म भी है, ब्रीडिंग फार्म, स्कीइंग भी सबसे ज़्यादा यहाँ पे होती है, तो हिमालयन बोटैनिकल गार्डन। CPRI इंस्टीट्यूट भी कहाँ पे है, कुफरी, और कुफरी किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, शिमला में पड़ता है, ठीक है, कुफरी कहाँ पे पड़ता है, शिमला में पड़ता है। यहाँ तक क्या, विच इज़ द स्मॉलेस्ट, अब आती है सेंचुरीज, तो मैंने आपको बताया कि कितनी सेंचुरीज है, 31 सेंचुरीज है, जिसमें से सबसे बड़ी क्या है, किब्बर, और स्मॉलेस्ट क्या है, शिल्ली, स्मॉलेस्ट क्या है आपकी, शिल्ली, तो शिल्ली जो है सबसे छोटी है, और ये कितना एरिया कवर करती है, ये करती है आपका शिल्ली, दैट इज ओनली 2 स्क्वायर किलोमीटर। किब्बर लाहौल स्पीति में है, तो शिल्ली जो है वो है सोलन में, सोलन में और भी है, मजाठल और चैल, ठीक है, ये याद रखना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज काला टॉप खजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड, काला टॉप खजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहाँ पे है, तो काला टॉप जो है ये कहाँ पे है, खजियार वर्ड आया, तो खजियार इज अ ब्यूटिफुल प्लेस, इसको मिनी स्विस, ये भी क्वेश्चन आता है, मिनी स्विस भी कहा था, किसने कहा था, आपका पी ब्लेजन है, तो काला टॉप कहाँ पे है, ये पड़ती है आपकी चंबा, ये किस जगह पे सिचुएटेड है, ये है चंबा और डलहौजी के बीच में, ठीक है, यानी खजियार में, राइट। यहाँ तक क्लियर कि खजियार, और खजियार लेक की जो समुद्र तल से ऊंचाई है, दैट इज 951, इसको मिनी स्विस का किसने कहा था, पी ब्लेजर ने कहा था, कब, 1992 में। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द कन्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड, कन्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो कन्वर वाइल्ड लाइफ, देखिए अगर खजियार का एरिया देखना है ना, ये कब बना था, वैसे ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बनी थी, 1949 में, ठीक है,
काला टॉप खजियार जो था ये 1949 में बनी है ये सेंचुरी जुलाई 1 में। तो अगर हम इसमें बात करें कि इसका एरिया कितना था, इट्स एरिया इज, मैं एरिया लिखवा देती हूँ, 69 किलोमीटर। ठीक है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज कन्वर वाइल्ड लाइफ, तो कन्वर वाइल्ड लाइफ कहाँ पे आती है, कुल्लू में आती है। कहाँ पे आती है, कन्वर जो है ये आपकी कुल्लू में आती है, कनावर भी बोलते हैं, खोखन भी यहीं आती है। अब अगर हम कुल्लू की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, सबसे बड़ा पार्क जो है वो है कुल्लू में, इसके साथ इंद्र किला नेशनल, सॉरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंद्र किला है, खीर गंगा ये भी आपकी कहाँ पे, कुल्लू में। तो कुल्लू में है तीन आपकी नेशनल पार्क्स, आपका ग्रेट हिमालयन जो सबसे बड़ा है, इंद्र किला, खीर गंगा, ये याद रखना। इसके साथ कन्वर के साथ कायस, खोखन, ये सारी जो है इसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। इस लॉयन सफारी लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, क्या शेर की सवारी जो है वो आपकी लोकेटेड है। तो देखिए, शेर, लॉयन सफारी का मतलब है एशियाटिक लॉयंस। ठीक है, ये एशियाटिक लॉयंस जो है पर्टिकुलरली कहाँ पे मिलते हैं, रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, सिरमौर में। रेणुका कौन थी, जमादग्नि की वाइफ और परशुराम की माँ। तो रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आपका रेणुका वेटलैंड भी है, रेणुका जो है ये वेटलैंड भी है। वेटलैंड्स क्या होते हैं, जो लैंड और वाटर के बीच में होते हैं। तो इसमें जो है रामसार कन्वेंशंस जो कि कब आई थी, 1972 में आई थी फ्रॉम ईरान, उसके अकॉर्डिंग ये जो है आपका, ठीक है ये भी याद रखना, वेटलैंड से रिलेटेड। रेणुका आपको पता है इसकी फ्रेश वाटर लेक भी है। तो रेणुका सफारी जो है वो कहाँ पे होती है, रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो यहाँ तक किसको डाउट है भाई, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन है इसका और डिटेल आपको करवाया जाएगा। अभी ये क्वेश्चंस को देखिए कि किस तरह से पूछे जाते हैं, फिर मैं इसका जो है ये सेशन डिटेल वर्जन कोशिश करूँगी पूरा लाने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिन वैली नेशनल पार्क। अब आता है पिन वैली नेशनल पार्क, सॉरी पिन वैली नेशनल पार्क। तो पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है, देखिए पिन वैली नेशनल पार्क जो है, पिन वैली ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, इसको जो है बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा भी दिया गया है। और ये जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व कब बना था, 1972 में आई थी मैन एंड बायोस्फीयर, जिसमें तीन रीजंस होते हैं, कोर, बफर एंड ट्रांजिशन। कोर जहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, बफर जहाँ पे थोड़ी बहुत एक्टिविटी होती है, और ट्रांजिशन जहाँ हम कुछ भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो पिन वैली नेशनल पार्क है लाहौल स्पीति में, लाहौल स्पीति में, ठीक है, पिन वैली नेशनल पार्क जो है ये लाहौल स्पीति में है। ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, वन ऑफ द बेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व। इसका जो एरिया है दैट इज 675 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम देखें इसका पिन वैली का, तो ये कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि स्पीति जो है दैट इज़ द ड्राइएस्ट प्लेस। और ड्राइएस्ट प्लेस क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ रेन शेडो इफेक्ट, मतलब बरसात की एक छत, बरसात की कमी से ये ड्राइएस्ट प्लेस है। सबसे ज़्यादा ठंड भी यहीं होती है। पिन वैली नेशनल पार्क जो है लाहौल स्पीति में है, पर एक चीज़ और है यहाँ पे कि जो पिन वैली नेशनल पार्क है आपका एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। वेयर इज द जूलॉजिकल पार्क ऑफ हिमाचल प्रदेश लोकेटेड एट शिमला डिस्ट्रिक्ट। जूलॉजिकल पार्क हिमाचल प्रदेश में जो शिमला में लोकेटेड है वो कहाँ पे है। तो अगर आप जूलॉजिकल पार्क की बात करें तो ये जूलॉजिकल पार्क है। जब आप शिमला में एंटर करते हैं ना घना आटी से, तो एक जगह आती है टूटी कंडी, टूटी कंडी में जो है आपका पिन वैली नेशनल पार्क है, टूटी कंडी, सॉरी जूलॉजिकल नहीं, यहाँ पे आएगा ये टूटी कंडी, आंसर इज टूटी कंडी, जो कि कहाँ पे है आपका जूलॉजिकल पार्क है, और यहाँ पे आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे है, टूटी कंडी, जो कि कहाँ पे है, शिमला में। जब हम घना आटी से आगे आते हैं ना, तो उसके बाद आता है टूटी कंडी।
ठीक है, दरंग हट्टी इज द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दरंग हट्टी जो है ये किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है? तो अगर हम देखें दरंग हट्टी तो ये आती है शिमला। शिमला कब बनी थी? 1962। और इसका एरिया जो है दैट इज 167 स्क्वेयर किलोमीटर। कितना है? 167 स्क्वेयर किलोमीटर। एक यहाँ पे ये आती है और एक शिमला में वाटर कैचमेंट एरिया भी है जिसको जो है एज ए सेंचुरी यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज शिल्ली फौना? तो शिल्ली जो है ये सबसे ज्यादा कहाँ पे, मतलब शिल्ली फौना सेंचुरी कहाँ पे? तो शिल्ली कहाँ पे? एस से शिल्ली, एस से सोलन। सबसे छोटी सेंचुरी, स्मॉलेस्ट सेंचुरी। ठीक है, तो ये जो है इसका कवर क्या करती है? 2 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे छोटी कौन सी है? शिल्ली। इसी ये कहाँ पे है? सोलन में है। तो अगर देखा जाए मझाटल, आपकी मझाटल भी है, आपकी चैल भी है। ठीक है, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क्स, देखिए मैंने अभी बताया कि नेशनल पार्क्स कितने हैं? 5 हिमाचल में। सबसे बड़ा है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, फिर आता है आपका इंदर किला। ठीक है, फिर आपका आएगा इंद्र किला के बाद है आपका खीर गंगा, देन आपका खीर गंगा के बाद है सिंबलवाड़ा, और सिंबलवाड़ा के बाद है आपका पिनवेली। ठीक है, 5 हो गए। सबसे बड़ा आपका ये है, सबसे छोटा अगर नेशनल पार्क देखें तो वो है सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। यहाँ पे एक पिछले साल एक स्पीसीज फाउंड की थी दैट इज कॉल्ड गारा सिम्बालिसिस। ये जो है पिछले साल एक फिश का वो देखा गया है। तो ये किस सिटी पे है? सिरमौर में है। तो सिरमौर की किस जगह पे है ये बताना है। तो सिंबलवाड़ा को कर्नल शेर जंग के नाम से भी जानते हैं, कर्नल शेर जंग। ठीक है, सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क जो है ये है, और ये जो है आपका कर्नल शेर जंग के नाम से, और इसका एरिया जो है दैट इज 2788। ये याद रखना। अगर हम बात करें आपकी जूलॉजिकल, मैंने आपको बता दिया टूटी कंडी भी है, कुफरी भी है, और घना हट्टी भी है। नेक्स्ट नेचुरल पार्क्स, एक और चीज़ याद कर लीजिए, नेचुरल पार्क्स, नेशनल पार्क्स नहीं, नेचुरल पार्क्स, जो कि एक टूटी कंडी है। ठीक है, नेचुरल पार्क, एक कुफरी है और एक घना हट्टी है। ये सारे जो हैं आपके नेचुरल पार्क्स हैं। अगर और देखा जाए जू, मस्क डियर के लिए जो है आपका कुफरी नेचुरल पार्क, ये आपके जो है ये नेचुरल पार्क्स, तो नेचुरल पार्क जो है आपका कुफरी में है, मनाली सेंचुरी और गोपालपुर सेंचुरी जो है ये नेचुरल पार्क्स हैं। कांगड़ा में है आपकी, मनाली में है, और आपकी गोपालपुर सेंचुरी जो कि कांगड़ा में है। तो सिंबलवाड़ा से ये याद रखना, गारा सिम्बालिसिस पिछले साल मिली, कुफरी में जो है आपका नेशनल पार्क है, और अगर देखा जाए आप क्या तूतीकंडी में है। ठीक है, फिर सिंबलवाड़ा को कर्नल शेरजंग के नाम से जाना जाता है, इसका एरिया जो है 27.88 है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। आपको ये पता होना चाहिए कि ये 20 क्वेश्चंस क्या है। आपको ये चिंता नहीं करनी है, मैं इसका एक डिटेल वर्जन भी लाऊंगी ताकि आपको सारी डिटेल्स क्लियर हो जाए। तो मंडे से शायद इसी का सेशन मैं कंटिन्यू कर दूंगी कि आपको फॉरेस्ट क्लियर हो जाए। जब फॉरेस्ट क्लियर हो जाएंगे फिर हम सोचेंगे कि आगे हिमाचल का क्या करना। ठीक है, तो एक चीज़ और याद रख लीजिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, कि आपको ये पता होना चाहिए कि कितने वेटलैंड्स हैं। ठीक है, तो वो कितने वेटलैंड्स हैं मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, वेटलैंड्स हैं आपके 3। कितने वेटलैंड्स हैं? 3 वेटलैंड्स हैं। कौन कौन से वेटलैंड्स हैं? एक तो मैंने आपको बताया कौन सा वेटलैंड है आपका, एक सेकेंड वेटलैंड्स आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से वेटलैंड्स हैं। ठीक है, वेटलैंड्स रेणुका, देखिए चंद्रताल वेटलैंड है, लैंड और वाटर का एरिया रेणुका। ठीक है, चंद्रताल, रेणुका और आपका डैम, सॉरी पोंग डैम। ठीक है, ये वेटलैंड एरियाज है।
तो अगर देखा जाए तो कितने हैं, तीन। सबसे छोटा कौन सा है, रेणुका। स्मॉलेस्ट कौन सा है, रेणुका वेटलैंड है, तो ये याद रखना। वैसे अगर देखा जाए तो इतने याद कर लेना कि रेणुका सबसे छोटा है, लेकिन सबसे बड़ी नेचुरल फ्रेश वाटर लेक कहाँ पे है, रेणुका पे है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आपके, आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा। ये तो लेटेस्ट मतलब ये बिल्कुल नई इन्फॉर्मेशन है, और इसमें जो एक्ट्स है उस पर फोकस कीजिए। इन सेशंस को और डिटेल में लाने की कोशिश करूंगी। ये तो सिर्फ एक क्वेश्चंस लेकर आए हैं कि आपको पता चल जाए कि कैसे फॉरेस्ट के क्वेश्चंस आते हैं। अगर डिटेल करना है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे, कि इसकी एक डिटेल क्लास जो है एक नहीं 3-4 दिन चलेगी। अगर कंटेंट देना है तो प्रॉपर देना, थोड़ा थोड़ा दूंगी ताकि आप उसको डाइजेस्ट या रेजिस्ट कर सकें, ठीक है। उसके बाद जब आपका ये हो जाएगा, फिर प्रैक्टिस सेशंस पर प्रैक्टिस सेशंस देखना ना भूलें, जो 7 से 8 की क्लास है। तो आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा है। अगर सेशन अच्छा लगा है तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन फेसबुक पेज, फॉलो मी पूजा गुप्ता, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता, पूजा गुप्ता लेट्स लर्न विद मी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, आपको चैनल अच्छा लगता है, तो मुझे ज़रूर रिकमेंड कीजिए और आपको शेयर कीजिए जितना हो सकता है। तो मिलते हैं आपसे संडे के सेशन में 5 से 6 और फिर 8 से 9। तो प्लीज़ गाइस जाना मत, सेशंस के साथ जुड़ना। और जितने सेशंस अभी आपने देखे हैं, आपको सेशंस का फीडबैक चाहिए मुझे, तो कल अगर आप चाहेंगे तो कल हम आपके साथ लाइव भी आ सकती हूँ मैं फेसबुक पे, बट आप डिपेंड करता है कि आप आओगे कि नहीं आओगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि देखते हैं आप मुझे क्या फीडबैक देते हैं, तो उसके बाद मैं ये सोचूंगी कि हाँ आना चाहिए, ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर, मतलब स्ट्रैटेजी के आगे क्या करेंगे। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स कल के दोनों सेशंस देखिए, क्योंकि कल का 8 बजे का सेशन भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हम इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर।